फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, इनकी पार्टी खामोश है। कहते हैं ना कि किसी के बगैर या किसी के इंतजार में दुनिया नहीं रुकती, कुछ वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। जब जम्मू कश्मीर की सियासत पर अब तक भारी रही पार्टियां मौन हैं, तो नई पार्टियों के गठन की सुबुगाहटें तेज हो गई है, और ये सब वे लोग कर रहे हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज हैं। इनके साथ कुछ संगठन भी आ जुड़े हैं, कई युवा चेहरे और कुछ पंच और सरपंचों के साथ कई पत्रकार भी साथ जुड़ गए हैं, और सबकी कोशिश जम्मू कश्मीर की सियासत को नई दिशा देने की है। इनमें से कई तो दिल्ली के चक्कर भी काट रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ही नहीं, कांग्रेस में भी कई नेता अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं है। ये लोग केंद्र सरकार की कोशिशों का हिस्सा बनना चाहते हैं। इनमें पीडीपी से निष्कासित अल्ताफ बुखारी, नजीर अहमद लावे, पीडीपी के ही बागी यासीर रेश्ती, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के कई नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद सईद अखून, कांग्रेस के हामिद करा और भी कई नेता हैं जो बदलाव की हवा के साथ बदलना चाहते हैं और नई तरह की सियासत करना चाहते हैं। असल में आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत पूरी तरह बदल गई है। जानकार बताते हैं कि पीडीपी के एक नेता जम्मू जाकर बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात की और कई बैठकें भी की। कश्मीर और जम्मू के करीब 3 दर्जन पंच और सरपंच नए राजनीतिक मंच की कवायद में जुट गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि अब्दुल्ला मुफ्ती और लोन परिवार की सियासत बंद होने के बाद नया राजनीतिक मंच बने, जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, स्थानीय लोगों के हितों की आवाज उठाने के नारे के साथ चुनावी सियासत का हिस्सा बने। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली भी चाहती है कि जल्द ही 1-2 दल बने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों का विकल्प बन सके, ताकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।